नमस्कार प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख करते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। पीएम का विश्व युवा कौशल दिवस पर राष्ट्र को संबोधन, कहा नई पीढ़ी के युवाओं का स्किल डेवलपमेंट एक राष्ट्रीय जरूरत। केरल में 5 और लोगों में पाया गया जीका वायरस, राज्य में अब तक कुल सामने आए 28 मामले। दो दिनों से देश में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के नए केस, एक्टिव मामले 5 लाख से ही नीचे। भारत में फिलहाल सक्रिय है मॉनसून, कई इलाकों में अलर्ट जारी, देश के उत्तर और पश्चिम इलाकों में होंगे बारिश से सराबो। इलाज के लिए एंटीगुआ व बरबूडा पहुंचा मेहुल चौकसी, डोमेनिका की अदालत में सशर्त दी गई जमानत। ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर जैसे 5 जरूरी सामान होंगे सस्ते, सरकार ने इन सामानों पर ट्रेड मार्जिन 70% किया तय। राजस्थान के पोखरण में दबोचा गया आईएसआई एजेंट, कई सीक्रेट दस्तावेज और आर्मी एरिया का मैप बरामद। देश का पहला ग्रेन एटीएम लगा गुरुग्राम में, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हुई शुरुआत, 7 मिनट में निकलेगा 70 किलो अनाज। जम्मू में फिर दिखा संदिग्ध ड्रोन, एयरफोर्स स्टेशन के पास बीती रात देखा गया ड्रोन, पिछले महीने यहां ड्रोन से हुआ था आतंकी हमला। इसरो ने किया गगनयान के विकास इंजन का सफल परीक्षण, एलन मस्क ने ट्वीट कर दी बधाई। पवार की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने किया खारिज, कहा ये खबरें हैं आधारहीन। एक 1850 एकड़ में फैला है यदाद्री बालाजी मंदिर, ले चुका है भव्य आकार, तेलंगाना के मुख्यमंत्री 2017 से इस मंदिर परिसर को कर रहे हैं विकसित। ट्विटर से जानकारी मांगने में दुनिया में पहले स्थान पर पहुंचा भारत, कंपनी की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। गुवाहाटी में ऑनलाइन बिकेगी शराब, असम सरकार शुरू करेगी 1 महीने का ट्रायल। कोरोना जैसी आपात स्थिति में स्वास्थ्य किस तरीके से अदालत दे सकता है दखल, सुप्रीम कोर्ट करेगा इस पर विचार। आगरा में नर्सिंग होम से लापता हुआ डॉक्टर, परिजनों ने पुलिस को दी घटना की सूचना, डॉक्टर की तलाश में जुटी पुलिस। औरैया में संजय सिंह ने की यूपी जोड़ो अभियान की शुरुआत, कहा यूपी के सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी लड़ेगी चुनाव। फिरोजाबाद में बदमाशों ने लूट की घटना को दिया अंजाम, व्यापारी से 10 लाख रुपए की नकदी लूटकर बदमाश मौके से हुए फरार, बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। कौशाम्बी में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की हुई थी मौत, पत्नी को 4 लाख रुपए की मिली धनराशि, कई सारी योजनाओं के तहत उनके परिवार को दी गई सांत्वना। लखीमपुर में धर्मांतरण किए जाने का मामला आया सामने, धर्मांतरण कर निकाह करने का बनाया गया दबाव, पुलिस ने नामजद अभियुक्त सहित 2 मौलानाओं को भेजा जेल।
रायबरेली में नहर विभाग को नहीं किसानों की चिंता, ठेकेदार और विभाग की मिलीभगत से नहरों की नहीं होती है ठीक से सफाई। रायबरेली में रिश्वत लेते हुए लेखपाल का वीडियो हुआ वायरल, मकान बनवाने के नाम पर ली रिश्वत। वीडियो वायरल होते ही सलोन तहसील में मची अफरा तफरी। रामपुर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अवैध तमंचा फैक्ट्री में की छापेमारी, मौके से दो लोगों को किया गया गिरफ्तार, आगे की कार्यवाही में जुटे पुलिस। आजमगढ़ में ऑक्सीजन प्लांट बनवाने को लेकर हुई लापरवाही, प्लांट को लेकर सीएमओ ने दी जानकारी। आईजी जोन आगरा का मैनपुरी दौरा, पुलिस लाइन का किया निरीक्षण, निरीक्षण करते हुए पुलिस लाइन में किया वृक्षारोपण। औरैया में सूबे की सरकार पर बरसे संजय सिंह, योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, यूपी के सभी जनपदों में आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी ऐसा बयान दिया। बुलंदशहर में घर में घुसकर दबंगों ने चलाए लाठी डंडे, युवक के सर में आई गंभीर चोटें, पीड़ित परिवार ने पुलिस अधीक्षक के सामने लगाई न्याय की गुहार। कानपुर में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, डाटा रिलीज करने के नाम पर करते थे उगाही, कंपनी का डाटा रिलीज करने के नाम पर मांगते थे 300 से 400 डॉलर। सुल्तानपुर में सपाइयों ने किया जोरदार प्रदर्शन, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आह्वान पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। अलीगढ़ में दो पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट, मारपीट में फायरिंग होने के वजह से एक महिला को लगी गोली, महिला को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कानपुर में क्राइम ब्रांच को मिली बड़ी सफलता, तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, तीनों अपराधियों के पास से क्राइम ब्रांच ने तमंचा और कारतूस को बरामद किया। लखनऊ में जल निगम विभाग का धरना प्रदर्शन, छह महीनों से पेंशन न मिलने से परेशान थे कर्मचारी, लोगों को आर्थिक परेशानियों का करना पड़ रहा था सामना। सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र में गोताखोरों की टीम को मिली कामयाबी, दूसरे दिन रेस्क्यू ऑपरेशन में शव को किया गया बरामद। उन्नाव में ग्राम प्रधान की मनमानी, खतरे में आया बच्चों का भविष्य, बच्चों से कराई जा रही है मजदूरी। रायबरेली में पत्रकार को मिली जान से मारने की धमकी, पीड़ित ने पुलिस से लगाई है न्याय की गुहार। बुलंदशहर में साध्वी की गला दबाकर हत्या, घटना से पूरे इलाके में मचा हड़कंप, मामले की जांच में जुटे पुलिस। आगरा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, दो दिन पहले अपहृत हुए डॉक्टर को पुलिस ने किया बरामद। कानपुर में रंजिश के चलते चली गोली, गोली लगने से युवक की हुई मौत, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने, ऑपरेशन के बाद लापरवाह डॉक्टर ने मरीज के पेट में ही छोड़ा कपड़ा। पंचायत चुनाव में सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाकर भाजपा पर बरसी मायावती, सपा शासनकाल से की तुलना। यूपी पंचायत चुनाव ड्यूटी में 2020 कर्मियों ने कोरोना से गंवाई है जान, परिवारों को 30 लाख रुपए की मिलेगी अनुग्रह राशि।
यूपी में अब निजी विद्यालयों पर भी सूचना अधिकार अधिनियम लागू, सूचना देने के लिए अब होंगे बाध्य। घोषणा पत्र को लेकर कांग्रेस पर बढ़ा दबाव, मैनिफेस्टो कमेटी के साथ बैठक कर सकती है प्रियंका। मेरठ के शादी समारोह में सरेआम गोली मार कर किशोर की हत्या, एक साथी हुआ मौके से फरार, ताबड़तोड़ फायरिंग से मची भगदड़। चालीस करोड़ रुपए से संवरेगी देहरादून शहर की सूरत नगर निगम बोर्ड, बैठक में हर वार्ड के लिए 40-40 लाख रुपए मंजूर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर नैनीताल में हो रहा है अवैध निर्माण, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यवाही के नाम पर कर रहा है खानापूर्ति। देहरादून में दिव्यांग और बुजुर्गों को घर में लगेगा टीका, सीएमओ ने जिला प्रतिरक्षक अधिकारी को दी है जिम्मेदारी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र के सलाहकारों के भूमि खरीद में और पुल बनवाने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा। पंतनगर में अतिक्रमण मामले में यूएस नगर के डीएम और लोनिवी ईई हाईकोर्ट में हुए तलब। एनएचएआई के कार्यों की हर महीने होगी समीक्षा, मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधु करेंगे समीक्षा। देहरादून के पलटन बाजार में दिन दहाड़े व्यापारी को पीटा गया, पुलिस ने आरोपी तीन युवकों को हिरासत में लिया। सितारगंज में शादी के नाम पर युवक से पैसों की ठगी, पुलिस ने तीन ठगों को किया गिरफ्तार, आरोपियों में से दो महिलाएं भी शामिल। चंपावत में हरेला पर्व की तैयारी में जुटा वन विभाग, 10,000 पौधे बांटेगा विभाग, वन विभाग द्वारा हर दिन अलग अलग जगहों पर किया जाएगा वृक्षारोपण। पौड़ी में कारगिल दिवस को मनाने के लिए तैयार हुई रूपरेखा, एसडीएम ने बैठक में दिए सभी दिशा निर्देश। पर्यटन नगरी मसूरी में दिखी लोगों की भीड़, भीड़ ने बढ़ाया कोरोना का खतरा, प्रशासन ने लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की है अपील। हरिद्वार में जनसंख्या कानून के दायरे में आए सभासद, सभासद को किया गया पदमुक्त, निर्वाचित जनप्रतिनिधि की सदस्यता समाप्त किए जाने का ये पहला मामला। राज्य अनुसूचित आयोग के उपाध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक, बैठक में लोगों की समस्याओं का समाधान करने की कही बात। रुड़की में डीएम ने की जिला उद्योग मित्र की अहम बैठक, सिडकुल एसोसिएशन ने कई मुद्दों पर की बात, बैठक में सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निरीक्षण के दिए गए आरोप। रुड़की में दुर्गा मंदिर समिति के लोगों ने पंडित पर लगाए गंभीर आरोप, भक्तों के साथ बुरा बर्ताव करते थे पंडित। ऋषिकेश में भाजपा पार्षद की गिरफ्तारी की हुई मांग, बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंचे कोतवाली, हंगामा करते हुए पार्षद के खिलाफ की गई नारेबाजी। हरिद्वार में कांवड़ मेले को लेकर एसएसपी की अध्यक्षता में हुई बैठक, पुलिस अधिकारियों ने प्लानिंग की तैयार, बॉर्डर पर पुलिस बल को किया गया तैनात। कलियर में विधायक ने किया कबीर हॉस्पिटल का उद्घाटन, सभी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस है अस्पताल, यहां गरीब मरीजों को मिलेगी हर सुविधा।
भाद्राबाद स्वास्थ्य केंद्र में ना ही बिजली ना ही पानी, पानी की किल्लत से कर्मचारी और मरीजों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। काशीपुर में पुलिस को विधायक ने दिखाया रौब, थाने में विधायक ने पुलिस को लगाई जमकर फटकार, बीते दिनों पुलिस ने युवक के साथ की थी मारपीट। गंगा के घाटों पर हुड़दंग करने वालों की अब खैर नहीं, क्यूआरटी की रहेगी पैनी नजर, नहीं माने तो होगी कार्यवाही। तालिबान ने किया नरसंहार, 22 निहत्ते सैनिकों को मारा, रेडक्रॉस टीम ने की है पुष्टि। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति ममनून हुसैन का हुआ इंतकाल, कैंसर का चल रहा था इलाज। पाक सीमा चौकी पर तालिबान का कब्जा, पाकिस्तान की सड़कों पर तालिबान की जीत का जश्न, क्वेटा में सीएम दफ्तर पर निकाला गया तालिबानी जुलूस। पाकिस्तान में 9 चीनी इंजीनियरों की मौत से भड़का चीन, कहा एक्शन ले इमरान खान। दक्षिण पश्चिम चीन में बाढ़ से तबाही, निर्माणाधीन सुरंग में फंसे 14 मजदूर, मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी। चीनी वैक्सीन सिनोवैक का पहला डोज लेने वालों को दूसरा डोज एस्ट्राजेनेका का लगेगा, 3 से 4 हफ्तों का रखा जाएगा गैप। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सांसदों ने की चीन में कोरोना की उत्पत्ति पर द्विदलीय आयोग के गठन की मांग। सिंगापुर के बाद भूटान ने अपनाया इंडियन यूपीआई, इंडियन टूरिस्ट भूटान में भीम के जरिए कर सकेंगे पेमेंट, हर साल करीब 2 लाख भारतीयों का होगा फायदा। दस दिनों से लगातार हिचकी आने के बाद ब्राजील के राष्ट्रपति अस्पताल में किए गए भर्ती। यूएई ने इसराइल के तेल अवीव में पहला दूतावास खोला, इसराइल ऐसा करने वाला पहला देश बना। कोविड-19 महामारी ने लगाया बच्चों के वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर ब्रेक, यूएन की रिपोर्ट में भारत का भी जिक्र। पाक सरकार मंदिर जलाने के मामले में 350 आरोपियों के खिलाफ मामले वापस लेगी। किम जोंग उन ने भुखमरी से जूझ रही उत्तर कोरियाई लोगों के लिए यूएन से मांगी है मदद। एक स्टडी में हुआ है खुलासा, इम्यूनिटी बढ़ाने में कारगर है स्पुतनिक वी वैक्सीन की एक खुराक, स्पुतनिक वी का निर्माण 2 एडिनो वायरस को किया गया है निर्माण। अफगानिस्तान में जंगल राज की वापसी, तालिबानी जज की धमकी, समलैंगिकों को देंगे डरावनी मौत, चोरों के हाथ पैर काट देंगे। ब्रिटेन 19 जुलाई से होगा अनलॉक, 66% युवा आबादी को वैक्सीन के लग चुके हैं दोनों डोज। अमेरिका में 4 जुलाई के जश्न का दिखा साइड इफेक्ट, 3 हफ्ते में 2 गुना हो गए कोरोना के नए मामले। सिंगापुर, ब्राजील और क्यूबा में कोरोना के बढ़ते मामलों से मचा खौफ, कुछ देशों में लॉकडाउन से छूट ने किया इनकार।
गुलाम कश्मीर में इमरान सरकार के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन, आंकड़ताओं जैसा व्यवहार कर लगा है आरोप। भारत चीन के विदेशी मंत्रियों की बातचीत, जयशंकर ने कहा एलएसी विवाद को लंबा खींचना दोनों देशों के हित में नहीं। टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का ऑफिशियल सॉन्ग हुआ रिलीज, ग्रैमी अवार्ड विजेता संगीतकार एआर रहमान ने कंपोज किया है ये गाना, युवा सिंगर अनन्या बिरला ने दी है आवाज। कोरोना के कारण टोक्यो ओलंपिक में प्रेजेंटेशन सेरेमनी के ट्रेडिशनल में बदलाव, ओलंपिक में खुद गले में डालना होगा मेडल। सीएम योगी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले यूपी के खिलाड़ियों से की बातचीत, दी शुभकामनाएं, कहा लखनऊ और बनारस में बनाएंगे दो शूटिंग रेंज। श्रीलंकन कोच पहली बार पीपीई किट पहनकर खिलाड़ियों को दे रही ट्रेनिंग, बैटिंग कोच समेत दो के संक्रमित होने के बाद एसएलसी का फैसला। बीसीसीआई की छुट्टी पड़ी टीम इंडिया पर भारी, दो खिलाड़ी निकले कोरोना पॉजिटिव। आम आदमी पर पड़ेगी महंगाई की एक और मार, ट्रांसपोर्ट्स बढ़ाएंगे 20% भाड़ा, महंगी होंगी फल और सब्जियां। इंफोसिस ने पहली तिमाही के नतीजे किए जारी, कंपनी को पहली तिमाही में 5,195 करोड़ रुपए का हुआ प्रॉफिट, 2021-22 में 35,000 स्टूडेंट्स को इंफोसिस देगा नौकरी। मास्टर कार्ड पर आरबीआई की बड़ी कार्यवाही, डेबिट क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगाई रोक, मौजूदा ग्राहकों पर नहीं पड़ेगा इसका असर। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक डोरस्टेप बैंकिंग के लिए वसूलेगा चार्ज, ग्राहकों से चुनिंदा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए हर रिक्वेस्ट पर 20 रुपए किए जाएंगे वसूल। पराग ने भी महंगा किया दूध, यूपी में 2 रुपए बढ़ेंगे दाम, दूध की बढ़ी दरों को कल से किया जाएगा लागू। चौदह फेरे फिल्म का ट्रेलर हुआ रिलीज, बॉलीवुड अभिनेता विक्रांत मैसी और कृति खरबंदा फिल्म में निभाएंगे लीड रोल। कार्तिक आर्यन जल्द ही साउथ की हिट फिल्म अला बैकुंड पुरलो पलो में हिंदी रिमेक में आएंगे नजर। करीना कपूर खान के खिलाफ पुलिस से शिकायत, प्रेगनेंसी पर लिखे किताब से धार्मिक भावनाओं को आहत करने का लगा आरोप। द फैमिली मैन 2 की कामयाबी के बाद प्राइम पर हॉस्टल डेज के दूसरे सीजन का ट्रेलर हुआ रिलीज। जानवी कपूर अगस्त से शुरू करेंगी मलयालम फिल्म हेलन के हिंदी रिमेक मिली की शूटिंग, फिल्म में बोनी कपूर जी स्टूडियो के साथ मिलकर कर रहे हैं प्रोडक्शन। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।